के तमाम हिस्सों में इन दिनों मॉनसून अपने तेवर दिखा रहा है। महीनों तक भीषण गर्मी के बाद मॉनसून ने दस्तक दी तो लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन अब कुछ इलाकों में होने वाली बेतहाशा बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बनने लगी है। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक तमाम राज्यों में इन दिनों जमकर बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव जैसे हालात हैं। कुदरत की खूबसूरती के लिए मशहूर केरल में भी जोरदार बारिश हुई है। बारिश की वजह से केरल के झरनों में पानी बढ़ गया। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में तो बारिश ने नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। इस बरसात में पूरा गुजरात पानी नजर आ रहा है। अहमदाबाद में हाईवे पर पानी जमा हो गया, इस वजह से ट्रैफिक पर भी असर पड़ा है। मेहसाणा, राजकोट, सूरत में भी बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में पानी भर चुका है। बारिश के इस मौसम में कुछ लोग पानी में फंसे तो एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवानों ने लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पुणे में भी तेज बारिश के बीच बोट पर सवार होकर एसडीआरएफ के जवानों ने पानी में फंसे लोगों को बाहर निकाला। हरिद्वार में भारी बारिश की वजह से एक कार नदी में बह गई। एसडीआरएफ के जवानों ने इस कार को बाहर निकालने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया। देखिए, पुणे के लोनावला में भूषी बांध के पास झरने में बहे लोगों का पता लगाने के लिए नौसेना आज भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चला रही है। कल शाम अंधेरी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। नौसेना की गोताखोरी टीम जो है लापता बच्चों का पता लगाने के लिए आज फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चला रही है। पानी के तेज बहाव में रविवार को एक परिवार के 5 लोग बह गए थे, जिसमें 3 लोगों के शव कल बरामद किए गए। बाकी 2 बच्चों का पता लगाने की भरसक कोशिशें जारी। पुणे के लोनावला में हादसे का शिकार हुए लोगों की रेस्क्यू के लिए जोर शोर से अभियान चलाया जा रहा है। भारतीय नौसेना के गोताखोरों की टीम रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। मोटरबोट के जरिए नौसेना के जवान झरने में व्यापक खोज अभियान चला रहे हैं, ताकि डूबे हुए लोगों तक जल्द से जल्द पहुँचा जा सके। जवान अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी साथ लेकर आए हैं, जिससे की जरूरत होने पर पीड़ितों को तत्काल ऑक्सीजन दी जा सके। हालांकि दोनों डूबे लोगों के बचे होने की संभावना कम ही है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन 2 दिनों से जारी है। रविवार को लोनावला में पिकनिक मनाने गए परिवार के 5 लोग भूषी बांध के पास झरने में डूब गए। दरअसल पिछले 2-3 दिनों से यहां लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से झरने पर ही परिवार रुका हुआ था। वहां पानी का बहाव अचानक बढ़ गया। पानी के उस बहाव में 10 लोग फंस गए। उनमें से 5 लोग पानी से निकलने में कामयाब हुए, लेकिन 5 लोग तेज बहाव में बह गए। इनमें से 3 के शव मिल गए हैं। 2 लोगों की तलाश जारी है। नौसेना के साथ प्राइवेट रेस्क्यू टीम भी तलाशी अभियान में जुटी है। आप ब्रिजेश, आपसे समझने की कोशिश करूंगा, आप लोनावला में इतना बड़ा ये जो वीडियो सबसे पहले सर्कुलेट हुआ, पहले तो ये समझा दीजिए कि कौन सा ये इलाका है, क्या ये वाटरफॉल है, कौन सा पानी का ये बहाव था, कैसे वो पूरा परिवार अचानक पहुंच जाता है, और पानी का बहाव जब बढ़ता है तो उनको पहले क्यों नहीं निकाल लिया गया वापस, या उन्होंने क्या पहले प्रयास किया था पानी से बाहर आने का? ब्रिजेश, आवाज आपको मिल रही है? देखिए, साथ ही साथ तस्वीरें भी आपको तमाम दिखा रहे हैं कि इस वक्त भारी बारिश। जी जी जी, बोलिए। मैं अहमदाबाद हूं, और अहमदाबाद की जो बारिश है उसकी जो बात की जाए तो कल बहुत ही जो स्थिति थी बहुत भयावह थी, क्योंकि अहमदाबाद के काफ़ी सारे इलाकों में जो है कल पानी भर गया। वैसे सिटी में सिर्फ 3 इंच औसतन बारिश हुई, पर कुछ इलाकों में 6 से 7 इंच बारिश हुई, जिसकी वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया। मैं वहाँ पर खड़ा हूँ जिसका वीडियो वायरल हुआ था। ये जो स्पॉट है, यहाँ पर जो है कल एक बड़ा गड्ढा, पूरी सड़क धंस गई थी, जिसका लाइव वीडियो सबने देखा था कि किस तरह से ये पूरी सड़क बैठ गई, और यहाँ पर जो है काम चल रहा था। तस्वीरें मेरे कैमरामैन को कहूँगा कि आपको दिखाए कि यहाँ पर पूरा जो काम था वो काम चल रहा था, जिसकी वजह से पानी का तेज बहाव था, और पानी के तेज बहाव के चलते ये सड़क बैठी। तो ये वजह थी जो वीडियो कल वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, और हमने भी दिखाया अपने माध्यम से दर्शकों को कि किस तरह से ये सड़क धस गई, और यहाँ पे जो है अभी पूरा एरिया कोडन कर लिया गया है। पर अहमदाबाद में भारी बारिश के चलते जो है काफी जो है लोगों को परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आज भी गुजरात के काफी सारे जिलों में जो है वो ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। साफ तौर पर जो बात की जाए तो दक्षिण गुजरात के जो जिले हैं, सूरत हो, वलसाड़ हो,
तापी हो वहां पे जो है ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। साथ ही जूनागढ़, सौराष्ट्र के दो तीन जिले हैं, जूनागढ़ है, भावनगर है, बोटाद है, वहां पे ऑरेंज अलर्ट की संभावना मानसून विभाग ने व्यक्त की है। कल देर रात भी जो है, आज तड़के सुबह भी जो है, जूनागढ़ के जो कुछ सेंटर्स हैं वहां पे तकरीबन 6 से 8 इंच बारिश हुई है, जिसकी वजह से वो सारे इलाके भी पानी में, वहां पे जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। गुजरात में जो है मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सरकार और प्रशासन की तरफ से भी कोई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं क्या कि देखिए अभी जब भी इस प्रकार बारिश आ रही है, और खासकर सबसे ज्यादा सवाल ये निशान खड़े होते हैं ड्रेनेज सिस्टम में, क्योंकि सड़कें जो है समंदर बन जाती है। देखिए, जो ये बुनियादी सवाल हर शहरों के लिए हैं, क्योंकि हमारे जो शहर हैं इनका जो विकास होता है, बुनियादी ढांचा जो है उस पर अब बड़े सवाल खड़े होने लगे, क्योंकि नगर निगम जो है हमेशा अपने हाथ खड़े कर देता है। क्योंकि जब भी पानी आता है, नगर निगम की ओर से कहा जाता है कि एक साथ बारिश हो गई, तो क्या एक साथ बारिश के लिए नगर निगम तैयार नहीं था? क्योंकि जब मानसून विभाग ने अलर्ट दे दिया था, उन्होंने बता दिया था कि आप बारिश की संभावनाएं हैं, तो फिर नगर निगम की ओर से बचाव किया गया कि एक साथ 4 इंच बारिश हो गई। सूरत में भी कल ऐसी तस्वीरें सामने आई कि जहां पे एक साथ जो है 6 इंच बारिश होने की वजह से सूरत के आधे इलाकों में जो है वहां पे पूरा समंदर जैसी स्थिति हो गई थी। तो ये स्थिति जो है काफी सारे शहरों में देखने को मिली है। जो भी हमारे शहर है वहां के विकास को लेकर यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या नगर निगम और सरकार इस बात से जानते नहीं थे कि ऐसी बारिश होगी, तो क्या हम लोगों ने जो विकास किया है उस पर अब बड़े सवाल उठ रहे हैं। सरकार की ओर से सभी को इत्तला किया गया है कि जहां पे भी बारिश की संभावना है वहां पे पूरा ध्यान नगर निगम और गुजरात में मानसून की एंट्री पहले हो गई थी, तो क्या ये कहना अब गलत होगा कि जो राहत की बारिश का हम सब इंतजार कर रहे थे, वो अब गुजरात और अहमदाबाद का जो पूरा इलाका है, जामनगर का इलाका है, वहां आफत की बारिश हो गई है? देखिए, बिल्कुल पिछले 2-3 सालों से हमने देखा है कि जो बारिश है वो कुछ पॉकेट्स में ज्यादा गिरती है। अहमदाबाद में भी कल आधा अहमदाबाद जो था पूरा खाली था, वहां पे बारिश नहीं हुई, कुछ इलाकों में 4 से 6 इंच बारिश हो गई। तो ये पैटर्न पूरा बदला है, पहले ऐसा नहीं था। पहले पूरे अहमदाबाद में या कोई एक सिटी हो तो वहां पे एक साथ बारिश होती थी, अब जो है मानसून का पैटर्न बदला है। आज जामनगर में बारिश हुई है, पर ज्यादातर जो सौराष्ट्र के इलाके हैं वो वहां पे उतनी अच्छी बारिश नहीं है, राजकोट में हुई है, कच्छ में हुई है, पॉकेट्स में बारिश हो रही है। तो उसकी वजह से जो है वो काफी दिक्कतों का सामना जो शहरी इलाके हैं वहां पे हो रहा है, ग्रामीण इलाकों में ऐसी समस्याएं नहीं होती, क्योंकि वहां पे जो है ग्रामीण इलाकों में इस प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिलती है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, फिर जुड़ेंगे आपके साथ। तो देखिए, पहले प्रचंड गर्मी और अब प्रचंड बारिश, बात कुछ और खबरों की हो जाए। हरिद्वार में बारिश की वजह से नदी का जलस्तर जो है लगातार बढ़ा हुआ है, तेज बहाव की वजह से हरिद्वार में एक कार नदी में डूब गई। इस कार को बाहर निकालने के लिए SDRF के जवानों ने कई घंटों तक मशक्कत की, काफी देर की कोशिशों के बाद एक कार को ट्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। देखिए किस प्रकार से तस्वीरें भी हम निकल कर आई हैं, पहले वीडियो निकल कर सामने आया था जब कार जो है बहती हुई नजर आ रही थी नदी में, और अब क्रेन की सहायता से किस प्रकार से कार को बाहर निकाला गया, ये तस्वीरें लेटेस्ट देख लीजिए आप। कार डूबने के बाद जिस प्रकार से क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया, ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त। देखिए, बारिश के बाद हालात केवल भारत में ही नहीं बेकाबू हैं, बल्कि दुनिया भी बादलों की मनमानी देख रही है। अब आपको लिए चलते हैं 7 समंदर पार। अमेरिका में बाढ़ से हाहाकार मचा है, वहां के न्यू मैक्सिको राज्य में तूफान और भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया, सड़कों पर सैलाब का कब्जा हो गया और लबालब भरी सड़कों पर गाड़ियां बेबस नजर आईं। कई गाड़ियां बाढ़ के पानी में फंसे नजर आईं। वहां के एक इलाके में रेस्क्यू टीम ने किसी तरह बस को बाहर निकाला, हालांकि अब पंपों के जरिए पानी निकालने का काम जारी। और फिर से हिंदुस्तान का रुख करें तो मानसून के बादल पूरे देश में छा चुके हैं, कई राज्यों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी और कई राज्यों में इसको लेकर अलर्ट भी अब जारी कर दिया गया है। मानसून की मेहरबानी के कारण लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, वहीं आवाजाही में दिक्कतें भी हो रही हैं, लिहाजा सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है।
आसमान में बादल, झमाझम बरसात, ऐसा लग रहा है जैसे दिन में ही हो गई रात। ये तस्वीरें तो लखनऊ की हैं, लेकिन ऐसा ही माहौल अब कमोवेश पूरे देश में है। देश के हर कोने में इन दिनों मॉनसून की मेहरबानी से बारिश की झड़ी लग रही है और मौसम खुशगवार हो रहा है। कई जगहों पर तो ऐसी बारिश हुई जिसके कारण लंबे समय से तपती धरती को तरावट मिल जाए। बिहार की राजधानी पटना में महज एक घंटे हुई बरसात के बाद कई इलाके पानी पानी हो गए। वहीं पश्चिम भारत के गुजरात में भी रविवार से हो रही बारिश के बाद कुछ ऐसा ही हाल दिख रहा है। ये तस्वीरें अहमदाबाद की हैं। बारिश के कारण एक तरफ गर्मी से राहत है तो दूसरी ओर सड़कों पर भरा पानी और इसके चलते कहीं कहीं आवाजाही में भी दिक्कत हो रही है। गुजरात में आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है। अहमदाबाद हो, सूरत हो या हर जगह पे बारिश हो रही है। जैसे मौसम विभाग ने कहा था कि जो बारिश है वो हल्की से मध्यम बारिश होगी और दक्षिण के कुछ जिले हैं सूरत और वलसाड़ वहाँ पे भारी बारिश की बात की गई थी, पर अहमदाबाद हो या गांधीनगर हो हर जगह पे भारी बारिश देखने को मिली है। पर यह अहमदाबाद गांधीनगर हाईवे का नजारा है जहाँ पे इस तरह की सिचुएशन देखने को मिली है। आने वाले दिनों में 5 दिनों तक जो है मौसम विभाग का पूर्वानुमान है बारिश पूरे गुजरात में होगी और इसी तरह की बारिश देखने को मिलेगी। मौसम विभाग ने गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, लिहाजा लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। तो ऑरेंज अलर्ट जो दिया गया है जो साउथ गुजरात रीजन में डे वन के लिए हमने जो दिया है भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड़, दादर नगर हवेली में दिया गया है और डे टू में सिर्फ वलसाड़ और दादर नगर हवेली में दिया है। और सौराष्ट्र एंड कच्छ में जब देखते हैं तो डे वन में जो वेरी हैवी दिया गया है वो भावनगर में दिया गया है और आपका बोटाड में दिया गया है और अमरेली में दिया गया है। और डे टू के लिए जो हैवी रखा गया है वो जूनागढ़, जामनगर और आपका पोरबंदर में रखा गया है, राजकोट में रखा गया है। अभी तक की स्थिति ये है कि मॉनसून गुजरात और राजस्थान में आगे बढ़ रहा है। राजस्थान में भी अगले 4-5 दिन भारी बारिश के आसार हैं। महाराष्ट्र में भी जोरदार बारिश हुई है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी अच्छी बारिश की खबर है। वहीं बिहार और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम के जानकारों की माने तो राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों पर भी मॉनसून की मेहरबानी बनी रही। दिल्ली में रविवार को 9 मिलीमीटर बारिश हुई और अधिकतम तापमान 37 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। दिल्ली और आसपास मंगलवार तक भारी बारिश की संभावना है, लिहाजा पिछले दिनों बने हालात से सबक लेकर शहर में जल भराव से निपटने के इंतजाम किए जा रहे हैं। एमसीडी और एनडीएमसी ने अपने कर्मचारियों को हाई अलर्ट पर रखा है। अतिरिक्त कर्मचारियों और मशीनरी की तैनाती उन इलाकों में की जा रही है जहां पानी भरने की समस्या पैदा होती है। एनडीएमसी की ओर से सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे जल भराव पर नजर रखी जाएगी। उधर दक्षिण भारत में कर्नाटक के कलबुर्गी में भी रविवार को बारिश की झड़ी लगी। इससे सफर में कुछ परेशानी भले ही हो लेकिन कुल मिलाकर लोग मौसम के बदले मिजाज से खुश ही नजर आ रहे हैं और माहौल का मजा लेते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारी बरसात इंसानों के लिए ही नहीं बेजुबानों के लिए भी मुसीबत बनकर आई है। असम के चिरांग जिले में भारत भूटान सीमा पर मौजूद एक नदी में आई बाढ़ की चपेट में हाथी का एक छोटा सा बच्चा आ गया। पानी के तेज बहाव में हाथी का बच्चा खुद को संभाल नहीं सका और बहने लगा। शायद नदी पार करते समय ये बेबी एलिफेंट झुंड से बिछड़ गया था। हाथी का ये बच्चा 1 महीने का बताया जा रहा है। फॉरेस्ट टीम को जैसे ही जानकारी मिली टीम हाथी के बच्चे के रेस्क्यू में जुट गई। आखिरकार फॉरेस्ट टीम ने बेबी एलिफेंट को नदी से सही सलामत निकालने में कामयाबी हासिल की। बात कुछ और खबरों की हो जाए। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नए सेना प्रमुख की कमान अब संभाल लिया। साउथ ब्लॉक के प्रांगण में आज उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नई जिम्मेदारी संभालने के बाद जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपने भाई समेत परिवार के बड़े सदस्यों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया।
सहनशीलता, विनम्रता और बड़ों के लिए सम्मान। विशाल व्यक्तित्व की ये चंद वो खूबियां हैं जो किसी भी व्यक्ति को और बड़ा बनाती हैं। दिल्ली के साउथ ब्लॉक के प्रांगण में आज कुछ ऐसा ही नजर आया जब सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नए सेना प्रमुख का पदभार संभालने के बाद अपने भाई और रिश्तेदारों के पैर छुए। नए सेना प्रमुख की बड़ी जिम्मेदारी लेने के बाद अपनों से बड़ों का आशीर्वाद पाने की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उपेंद्र द्विवेदी ने भारतीय सेना के 30वें सेना प्रमुख के तौर पर कार्यभार संभाला है और पारंपरिक गार्ड ऑफ ऑनर के बाद परिजनों के पैर भी छुए और इस तरह से अब 30वें सेना प्रमुख के तौर पर आज से जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जनरल मनोज पांडे से कल भारतीय सेना के 30वें सेना अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था। पदभार संभालने के बाद आज जनरल उपेंद्र द्विवेदी को पारंपरिक तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जनरल द्विवेदी ऐसे समय में सेना प्रमुख बने हैं जब भारत चीन के साथ LAC समेत कई सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहा है। उत्तरी सेना के कमांडर के रूप में लंबे कार्यकाल की वजह से उनके पास चीन और पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर ऑपरेशंस का व्यापक अनुभव है। इस मौके पर सेना प्रमुख ने देश को यकीन दिलाया कि भारतीय सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आज भारतीय थल सेना आधुनिकीकरण के पथ पर अग्रसर है। इस दिशा में आत्मनिर्भरता को पूर्णता हासिल करने के लिए भारत सेना हमेशा तैयार। इसके लिए इंडिजिनस इनिशिएटिव्स को प्रोत्साहित करेगी और ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी वॉर सिस्टम और इक्विपमेंट को शामिल करेगी। मेरा प्रयास रहेगा कि भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना तथा अन्य स्टेक होल्डर्स के संपूर्ण समन्वय से यानी सिनर्जी के साथ कॉन्फ्लिक्ट के फुल स्पेक्ट्रम में ऑपरेशंस के लिए सदैव तत्पर रहे। इससे भारत के राष्ट्रहितों को सुरक्षित किया जा सकेगा। इससे पहले सेना प्रमुख राष्ट्रीय युद्ध स्मारक भी गए जहां उन्होंने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान सैन्य अधिकारी के साथ उनके परिजन भी रहे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी उप सेना प्रमुख के रूप में भी काम कर चुके हैं। करीब 40 साल के अपने लंबे और असाधारण करियर में वो कई पदों पर रहे हैं। उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक और अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी के नए सेना प्रमुख बनने के साथ ही भारतीय सेना के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब दो सहपाठी नौसेना और थलसेना की कमान संभाल रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रविवार को थलसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला जबकि एडमिरल दिनेश त्रिपाठी 30 अप्रैल से नौसेना के प्रमुख हैं। दोनों ने मध्य प्रदेश के रीवा के सैनिक स्कूल में पढ़ाई की। द्विवेदी और त्रिपाठी के बीच स्कूल के दिनों से गहरी दोस्ती रही है और अब दोनों दोस्त वायुसेना प्रमुख के साथ मिलकर भारत की सुरक्षा और संप्रभुता सुनिश्चित करेंगे। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। अमरनाथ यात्रियों का दूसरा जत्था पवित्र गुफा की ओर पहुंच चुका है। इससे पहले दो दिन के दौरान 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र गुफा में दर्शन के लिए पहुंचे। सभी भक्तों में दर्शनों को लेकर काफी उत्साह नजर आया। बड़ी संख्या में भक्त बाबा बर्फानी की भव्य आरती के गवाह बने। यात्रा पड़ाव पर 125 लंगर सेवा चल रही है। लंगर पार्टियों ने भक्तों की सुविधा के लिए अलग अलग जगहों पर पंडाल लगाए। साथ ही सरकार की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। सुरक्षा के साथ पर्याप्त सुविधा से यात्री बेहद खुश नजर आ रहे हैं। ये बाबा बर्फानी के धाम से आई भक्ति और आस्था की सबसे ताजा तस्वीर है। इन खूबसूरत वादियों में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। चाक चौबंद सुरक्षा इंतजामों के बीच भक्त अपने आराध्य का दर्शन पूजन कर रहे हैं। एक के बाद एक श्रद्धालुओं का जत्था
पवित्र अमरनाथ गुफा पहुंच रहा है। हर किसी के चेहरे पर दर्शन पूजन की चमक साफ नजर आती है। कोई पहली बार दर्शन के लिए पहुंचा है तो कोई यात्रा की सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर रहा है। ये मेरी 25 यात्रा हो चुकी है और जब भी आता हूँ प्रफुल्लित होकर जाता हूँ, अपने साथ ग्रुप लेता हूँ और सभी बड़े तन मन से धन से बड़ी सेवा में लगे हूं। और यहाँ के जो श्राइन बोर्ड की जो सारी जितने भी टेंट कैंप लगे जो हमारी सेवा में लगे हैं तत्पर, बहुत अच्छी तरह खूबसूरत से हमारी सेवा करते हैं। हर तरह की सुविधा मिलती है और कन्वेंस वगैरह बहुत अच्छा, जो मिलिट्री का यहाँ का योगदान हमारे साथ है, जो हमारे साथ सहयोग देके चलते हैं, इन्हीं की बदौलत हम लोग यात्रा में सफल होते हैं। खुशी है, बहुत खुशी है। हम बहुत अपने लिए भोलेनाथ के दर्शन करके खुश नसीब समझते हैं। आलम यह है कि शुरुआती दो दिनों में करीब 30,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शनों का लाभ उठाया है। अभी तक फिलहाल दो दिन में मौसम ने काफी साथ दिया है श्रद्धालुओं का, मौसम बेहतर है और अमरनाथ यात्रा जो है फिलहाल बहुत अच्छी तरह से चल रही है। और अभी तक अगर हम दो दिन की बात करें, 30,000 श्रद्धालु अमरनाथ गुफा पहले ही दो दिन के दौरान पहुंच चुके हैं। शनिवार यानी 29 जून से पवित्र यात्रा का शुभारंभ हुआ। पहले दिन 13,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए, जबकि रविवार को 14,717 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। शाम के वक्त पवित्र अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी की आरती की गई। इस दौरान यहां आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम दिखाई दिया। गांदरबल के बालटाल और पहलगांव के नुनवान बेस कैंप में दर्शन के लिए पहुंचे तीर्थयात्रियों के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यहां हर दिन 9,000 लोग रुक सकते हैं। दोनों यात्रा मार्गों पर 260 टॉयलेट, 120 वॉशरूम, हर 100 मीटर पर मोबाइल यूरिन पॉइंट है। दोनों मार्गों पर DRDO के 100-100 बेड के अस्पताल भी हैं, ताकि किसी यात्री को कोई परेशानी ना हो। खास बात यह है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान पहली बार यहां अनूठे सुरक्षा भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें यात्रियों को हेलमेट बांटे गए। जो यात्रा जाती है पैदल यात्रा है, 32 किलोमीटर का ट्रैक है, दुर्गम काफी रास्ता है, पहाड़ी रास्ता है, कई जगह पत्थर नीचे आ जाते हैं, तो उसको उससे बचने के लिए, यात्रियों की सेफ्टी के लिए जो इस साल हेलमेट इंट्रोड्यूस हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं ये हेलमेट जो है यहाँ पे एक अलग लंगर, हेलमेट्स का लंगर है। हालांकि हमने अभी तक देखा है कि खाने पीने के लंगर लगते हैं, लेकिन यहाँ इस बार जो है हेलमेट बांटे जाएंगे। जितने भी यात्री जो है चंदनवाड़ी से होते हुए गुफा की तरफ जाएंगे, उनको सुबह सवेरे हेलमेट्स दी जाएंगी। इस बार अमरनाथ यात्रा के रास्ते में 125 लंगर लगाए गए हैं। 6,000 वॉलंटियर तीर्थयात्रियों की मदद के लिए तैनात किए गए हैं। सुरक्षा को मजबूत करने और ट्रैफिक की परेशानी को दूर करने के लिए उधमपुर से बनिहाल तक नेशनल हाईवे पर 10 CCTV पॉइंट बनाए गए हैं, जहां से लगातार निगरानी की जा रही है। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गांदरबल और पहलगाम रूट में हाई सिक्योरिटी की तैनाती है। दोनों रूट के हाई सिक्योरिटी पॉइंट्स पर पुलिस की 13, SDRF की 11, NDRF की 8, BSF की 4 और CRPF की 2 टीमों की तैनाती है। साथ ही पैरामिलिट्री की 635 कंपनियां भी तैनात हैं। चंदनबाड़ी से मीर फरीद और अमरनाथ धाम से अशरफ वाणी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और खबर केदारनाथ धाम से। रविवार सुबह केदारनाथ धाम से 4 किलोमीटर ऊपर बर्फीले इलाके में एक तेज आवाज आई, जिसके बाद वहां बर्फ का पहाड़ खिसकने लगा अचानक से। और सुबह सुबह केदारनाथ मंदिर में दर्शन के लिए गए श्रद्धालुओं ने इस घटना को देखा और कई भक्तों ने इसे अपने मोबाइल में बाकायदा कैद भी किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो तेज रफ्तार से गुबार आते हुए भी आपको नजर आएगा। वीडियोस में आपको नजर आएगा चौराबाड़ी ग्लेशियर और गांधी सरोवर से ऊपर हिमस्खलन से बर्फ का भारी गुबार तेज रफ्तार के साथ नीचे खिसकते हुए नजर आ रहा है, जो गहरी खाई में अचानक समा जाता है। लगभग 5 मिनटों तक लोग जो है इस प्राकृतिक घटना के गवाह बने और ये नजारा जितना दिलचस्प उतना खतरनाक भी। देखिए, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री
पद के लिए 4 जुलाई को चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में वहां के तमाम जो राजनीतिक दल हैं जमकर प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने लंदन के श्री स्वामीनारायण मंदिर में दर्शन किए और चुनावी जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। धर्म और अध्यात्म से ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का लगाव किसी से छिपा नहीं है। अपने चुनाव प्रचार अभियान के आखिरी पड़ाव में ऋषि सुनक ने लंदन के श्री स्वामी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना की। जैसे ही ऋषि सुनक अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ मंदिर परिसर में पहुंचे, लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सुनक दंपति ने हाथ जोड़कर यहाँ मौजूद लोगों का अभिवादन किया। इसके बाद ऋषि सुनक ने पैर छूकर पुजारी का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर मंदिर परिसर में मौजूद लोगों के साथ ब्रिटिश पीएम ने हिंदू धर्म से जुड़े अपने जज्बात और भाव साझा किए। Now I am a Hindu and like all of you I draw inspiration and comfort from my faith. I was proud to be sworn in as a member of parliament on the Bhagavad Gita. ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने धर्म और आध्यात्म पर खुलकर अपने विचार रखे और कहा कि धर्म का कर्म से गहरा संबंध है। Our faith teaches us to do our duty and not fret about the outcome as long as one does it faithfully. ब्रिटेन में 4 जुलाई को प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव होने हैं। ऐसे में ऋषि सुनक के इस मंदिर दौरे को भी सियासी नजरिए से देखा जा रहा है। ऋषि सुनक के नेतृत्व में कंजर्वेटिव पार्टी एक बार फिर जीत का स्वाद चखने को बेताब है। हालांकि जानकार इस बार विपक्षी लेबर पार्टी की स्थिति बेहतर मान रही है। ऐसे में धर्म अध्यात्म के जरिए ऋषि सुनक ब्रिटेन में बसे भारतीयों पर अपनी पकड़ मजबूत करते दिखे और उनका ये कदम सियासी रण में तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आज से देश में नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। मतलब ये कि रात 12 बजे के बाद जो है जो भी आपराधिक घटनाएं हुई हैं उनमें नए कानून के मुताबिक एफआईआर दर्ज की जाएगी। नए कानून में वैसे तो बहुत बदलाव हुए हैं जिनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन बात कानून की जरूरत क्यों पड़ी और इनकी खास बातें क्या हैं, ये समझने की हम कोशिश करेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। देश भर में आज से नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं और इन कानूनों को पुख्ता तरीके से अमल में लाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। दिल्ली के तुगलक रोड थाने में लगाए जा रहे बैनर पोस्टर में बताया गया है कि नए कानूनों में नया क्या है। वैसे तो पुलिस वही है, व्यवस्था वही है, लेकिन कानून बदल गए हैं। ब्रिटिश काल के कानूनों की जगह अब नए कानूनों ने ले ली है, जिसका बड़ा असर हो सकता है। आज यानी 1 जुलाई से बदल गया है कानून और इस नए कानून में जो बदलाव किए गए हैं वो जनता की सहूलत के लिए किए गए। अगर हम बात करें आईपीसी की यानी इंडियन पेनल कोड जो कि अब बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता में और सीआरपीसी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से जाना जाएगा, इन सभी में सिर्फ एक चीज पर गौर किया गया है और वो गौर इस बात पर कि अब दंड की तरफ नहीं, अब न्याय की तरफ गौर किया जाएगा, न्याय पर जोर दिया जाएगा ताकि जितने भी पीड़ित है उनको सही समय पर सही तरीके से न्याय मिल सके। मूलभूत कानून 3 विधेयक के अंदर केंद्र सरकार ने पिछले साल अगस्त में 3 नए आपराधिक कानूनों से जुड़े विधेयक को संसद में पेश किया था। पिछले साल शीतकालीन सत्र के दौरान 21 दिसंबर 2023 को संसद के दोनों सदनों ने इन कानूनों को पास कर दिया था। इसके बाद 25 दिसंबर 2023 को इन कानूनों को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और फिर इस साल फरवरी में तीनों आपराधिक कानूनों की अधिसूचना जारी कर दी गई। नए कानूनों का मकसद ये है कि आम लोगों को न्याय और सुरक्षा मिले। इंडियन पीनल कोड आया था तो उसका काम था कि नागरिकों को दंड दे, इसलिए वो भारतीय दंड संहिता। और वर्तमान सरकार का भाव है कि नागरिकों को न्याय देना है, इसलिए भारतीय न्याय संहिता है। तो आपको स्पिरिट समझनी पड़ेगी। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि क्या नए कानूनों से पुराने मामलों पर कोई असर पड़ेगा? तो ये जान लीजिए कि नए कानून
नए केस पर ही लागू होंगे। पुराने मामले पुराने कानून के तहत ही चलेंगे। 1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज हुए मामलों, ट्रायल और तहकीकात पर नए कानूनों का असर नहीं होगा। 1 जुलाई के बाद होने वाले अपराधों के मामले नए कानून के तहत दर्ज किए जाएंगे। देखिए, क्रिमिनल एक्ट जो है, क्रिमिनल कानून कभी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं होता। तो जो भी इसमें ये देखा जाए कि कोई भी ऑफेंस जो हुआ है वो किस डेट को हुआ और किस टाइम पे हुआ है। यदि वो 1 जुलाई 2024 का जो 12 बज का समय है उसके जस्ट बाद होगा, तब तो उस पर जो न्यू क्रिमिनल लॉ है, BNS और BNSS, इन सारी चीज़ों के प्रोविजंस लागू होंगे। जो ऑफेंस पहले से हो रखे हैं, बेशक यदि उस पर मुकदमा दर्ज ना भी हुआ हो, तो उस पर पुराने कानून के हिसाब से मुकदमा दर्ज होगा। खास बात ये भी है कि नए कानूनों में कई केस में लगने वाली धाराओं का क्रम बदल गया है, इसलिए नया क्रम याद रखना होगा। पुलिस कर्मियों, वकीलों और जजों को नए और पुराने दोनों कानूनों की जानकारी रखनी होगी। लिहाजा खास तौर से दिल्ली में इस सिलसिले में पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग का काम तेजी से चल रहा है, ताकि मामलों की जाँच पड़ताल और आगे की कार्रवाई में कोई परेशानी न हो। हमने पूरी कोशिश की है इसको पहले खुद समझने की, फिर उसके बाद हमने ओवरऑल दिल्ली से अपना ऑफिसर्स बुलाए हैं जिनको हमने ट्रेनिंग दी है। लगभग 40,000 लोगों को हमने यहाँ ट्रेन किया है BNS के अकॉर्डिंगली, और BNSS उनको बताया गया है कि दोनों लॉज में कितना डिफरेंस है और कहाँ कहाँ ये यूज हो सकते हैं। अगर उनके पास कल को कोई नया पुराना केस आ जाता है तो जिसके अंदर IPC के सेक्शंस होंगे, तो उनकी अगर बच्चों को जानकारी ही नहीं होगी तो वो BNS से उनका अकेले से काम नहीं चल सकता। इसलिए एक टाइम रहेगा, टाइम फ्रेम के लिए वो चीजें हमें दोनों साथ साथ पढ़ानी पड़ेंगी कुछ टाइम के लिए, ताकि बच्चों को IPC की भी नॉलेज रहे और साथ साथ BNS की भी नॉलेज रहे। नए कानूनों में क्या क्या नया है और इन नए कानूनों का दायरा कितना व्यापक है, ये भी हम आपको बताएंगे। देखना ये होगा कि पीड़ितों को न्याय और दोषियों को माकूल दंड दिलाने के लिए इनका कितना सकारात्मक और सार्थक असर होता है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां जानते हैं किसी महान व्यक्ति की कही बातें। देखते हैं आज का विचार। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने कहा है कि विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। उम्मीद करते हैं खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां जरूर मिली होंगी। बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए। नमस्कार।